हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया फॉल्ट, जो हमारे पास एक टीवी आया है। टीवी का फॉल्ट आप लोग देख सकते हैं, जो फॉल्ट है पूरे स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे हमारा ब्लू स्क्रीन आ गया है, लेकिन हमारा पिक्चर नहीं है। आप लोगों को वीडियो लगा के दिखा देता हूँ हमारा पिक्चर कैसे आता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसका अंदर तो पिक्चर चल रहा है, लेकिन आवाज़ हो रहा है, वो साउंड तो आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं है। पिक्चर फुल ब्लू पे रिटर्न स्क्रीन आ गया है। इसका फॉल्ट आप लोगों को देखा तो कैसे रिपेयर करते हैं। इसके लिए पहले तो टीवी को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ क्या फॉल्ट आया है। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप लोगों को बताता हूँ, जो हमारा ये ब्लू हाई स्क्रीन का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारा ज़्यादातर बेसबोर्ड से होता है। जो बेसबोर्ड का प्रॉब्लम होता है तो होता है, लेकिन और भी एक प्रॉब्लम होता है, जो ट्यूब का ग्रीन ब्लू कलर जो ग्राउंड से शॉर्टेज हो जाता है, तब भी हमारा ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है। पहले तो दोस्तों हम लोग बेसबोर्ड को चेक करेंगे। बेसबोर्ड चेक करने के बाद ही पता चलेगा हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आया है। उसके लिए पहले तो हमारा बेसबोर्ड का जो जो प्रॉब्लम जो सिस्टम होता है वो चेक कर लेते हैं। पहले तो टीवी को लाइन देते हैं। लाइन देने के बाद जो हमारा बेसबोर्ड का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही पता चलेगा। पहले तो हमारा यहाँ पे जो हमारा रेड ग्रीन ब्लू का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट को चेक करेंगे। उसके बाद जो हमारा हमारा जो आई के है, ये वाला पिन हमारा ग्राउंड है, दूसरा वाला पिन हमारा रेड ग्रीन ब्लू है, दूसरा तीसरा चौथा, और लास्ट वाला पिन हमारा 84 आ रहा है, मतलब हमारा ये वाला आई के का पिन है। ठीक है दोस्तों, ये वाला तो हमारा रेड ग्रीन ब्लू का जो वोल्टेज होता है वो चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा रेड ग्रीन ब्लू का सभी वोल्टेज सेम ही आ रहा है, और जो हमारा हाई स्क्रीन का वो वोल्टेज होता है जो हमारा ESD से निकलता है 180 वोल्ट, वो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। ये वाला हमारा जो पहला नंबर पिन है, ये वाला पिन हमारा 120 वोल्ट है, 180 वोल्ट है, जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारा 180 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। और जो रेजिस्टर भाया होके हमारा तीनों कलर को वोल्टेज देता है, रेड ग्रीन ब्लू को। पहले का जो हमारा सिस्टम का होता है, ये वाला हमारा ब्लू का पिन होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू पे हमारा जो बेसबोर्ड पे है वो ब्लू पे हमारा 44-45 आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेड पे देखिए, यहाँ पे 193 दिखा रही है, मतलब यहाँ पे सेम वोल्टेज है, नहीं यहाँ पे सेम वोल्टेज है। और हमारा दूसरे तरफ ये वाला हमारा आ गया है, ये वाला हमारा ग्रीन का वोल्टेज 183, मतलब रेड और ग्रीन का वोल्टेज हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लू का वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज हमारा सही नहीं है। मतलब दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। एक तो हमारा नीक पे जो ब्लू होता है, ब्लू का नीक होता है, वो वाला ग्राउंड से शॉर्टेज होने से भी ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है। और हमारा जो ब्लू पे जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है वो रेजिस्टेंस ख़राब भी हो सकता है, उसके लिए भी हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये पहला वाला, ये वाला रेजिस्टेंस भी ख़राब होने से भी हमारा यहाँ पे वोल्टेज शॉर्टेज हो सकता है। और दूसरा ये वाला जो ट्रांजिस्टर दिया गया है, ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब होने से भी हमारा वोल्टेज शॉर्टेज हो सकता है। वोल्टेज शॉर्ट होने से ही ये वाला हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारा सिस्टम पे ब्लू ज़्यादा हो गया है। इसीलिए दोस्तों पहले तो हम लोग एक एक लाइन चेक करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। पहले बेसबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ,
ये वाला जो हमारा बेस बोर्ड है, ये बेस बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फॉयल गया है, ये वाला जो हमारा ब्लू का ट्रांजिस्टर है, ब्लू का ट्रांजिस्टर से भाया होके जो हमारा फॉयल गया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो हमारा 180 वोल्ट का कनेक्शन है, और दूसरा जो हमारा यहाँ पे दूसरा हमारा हीटर का कनेक्शन है, ये वाला हीटर का कनेक्शन, ये वाला हीटर कनेक्शन और हमारा जो रेजिस्टेंट ट्रांजिस्टर भाया रेजिस्टेंट होके जो हमारा वोल्टेज आता है, वो वाला जगह पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाशिंग हो गया है। मतलब ये वाला कनेक्शन हमारा बोर्ड जल के हमारा दूसरा लाइन पे शॉर्टेज हो गया है। ये वाला भी प्रॉब्लम हमारा हो सकता है, इसीलिए ये वाला लाइन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला फ्लाशिंग जो प्रॉब्लम है, ये वाला लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही चेक करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, और दूसरा सिस्टम पे जाएंगे। पहले तो ये वाला लाइन को हम लोग काट कर लेंगे ये वाला हीटर का कनेक्शन से, और कनेक्शन कर ये वाला एक वायर से कनेक्शन कर देंगे, और जो हमारा ये वाला ब्लू का जो हमारा वोल्टेज आता है निक पे, ये वाला भी कनेक्शन को काट के हम लोग ये वाला वायर से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये वाला बोर्ड फ्लाशिंग हो गया है, अंदर से जल रहा है, ये वाला अंदर से नहीं जलना चाहिए, नहीं जलना चाहिए। वो जलने जो फ्लाशिंग हुआ था, वो वाला फ्लाशिंग सॉल्व हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कनेक्शन करते हैं। ठीक है, चलो चेक कर लगाते हैं कनेक्शन। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन है, वो कनेक्शन को हम मैंने यहाँ पे यहाँ से काट कर दिया है, और यहाँ से काट कर देने से बाद यहाँ पे भी मैंने काट कर दिया हूँ। ये वाला जो फ्लाशिंग होने हो गया था, जो फॉयल फ्लाशिंग हो गया था बोर्ड पे, वो वाला कनेक्शन ही काट के ओपन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो हमारा ब्लू का जो ट्रांजिस्टर है, वो ट्रांजिस्टर को भाया होके जो रेजिस्टेंट होकर जो फॉयल जाता था वो निक पे, वो वाला निक पे मैंने एक वायर लेके कनेक्ट कर दिया हूँ। और जो हमारा हीटर का कनेक्शन है, वो हीटर का कनेक्शन हमारा यहाँ पे ओपन करके मैं डायरेक्ट एक वायर से कनेक्ट कर दिया हूँ। मतलब दोस्तों हमारा जो फ्लाशिंग का फॉल्ट था, वो फ्लाशिंग का फॉल्ट सॉल्व हो सकता है। आप लोगों को लाइन देके दिखा देता हूँ। जो दोस्तों मैं लाइन देने के बाद यहाँ पे कुछ वोल्टेज जो सॉल्व था, वो सॉल्व को चेक कर लेते हैं। पहले तो जो हमारा यहाँ पे ब्लू पे जो होता है, ब्लू पे हमारा 180 वोल्ट जो हमारा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम को पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। आप लोग को दिखा दो, जो हमारा 180 वोल्ट का कनेक्शन था, ब्लू पे नहीं आ रहा था, वो 43 आ रहा था। आप लोग देख सकते 193 आ गया है। मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम था, जो वोल्टेज का शॉर्टेज, वो यहाँ पे फ्लाशिंग होके ही हमारा ये प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए ये वाला कनेक्शन काट के मैंने वायर लगाने के बाद ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जो हमारा वोल्टेज ये वाला ब्लू पे भी 193 आ गया है, और जो हमारा रेड पे भी 93 आ गया है, और हमारा ग्रीन पे भी हमारा सेमी वोल्टेज आ गया है। मतलब दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम था आज का, वो हमारा हाई स्क्रीन ब्लू का हो गया था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है। आप लोग देख सकते हैं हमारा स्क्रीन पे जो हमारा ब्लू हाई हो गया था, लेकिन अभी हमारा वोल्टेज स्क्रीन पे हमारा ब्लू नहीं है, वो हमारा जो टीवी का स्क्रीन है वो आ गया है। अब इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो देख के दिखा देता हूँ जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा जो ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया है और पिक्चर आ गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था, वो आज का सॉल्व हो गया है। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरा चैनल का बेल आइकन दबा देना। नया नया वीडियो जो लेके आऊँगा, वो आप लोगों को पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।